मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में बारिश से बने बाढ़ के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की और उन्हें बताया कि कुल 1225 गांव प्रभावित हुए हैं, जो कि शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के हैं। इन इलाकों से अब तक 5800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि कुल 1225 गांव प्रभावित हैं, जो कि शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के हैं। वर्तमान की स्थिति में 1400 लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। एसडीआरएफ की 29 टीमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें ग्वालियर और 2 टीम शिवपुरी में बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। सेना के 4 कॉलम शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और श्योपुर में बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने आज थोड़ा मौसम साफ होने पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कोटा बैराज से पानी छोड़ने के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे चंबल संभाग के मुरैना, भिंड जिलों में कुछ गांव प्रभावित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि श्योपुर जिले में मोबाइल टावर और कम्युनिकेशन कुछ स्थानों पर बंद है, जिससे संपर्क करने में परेशानी जा रही है। ग्वालियर गुना रेलवे ट्रैक बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि हर संभव सहायता के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी। अभी वर्तमान स्थिति की जानकारी अनुसार 1400 लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैं। मध्य प्रदेश, विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना, इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे, शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी है। खराब मौसम के कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कठिनाई आ रही थी, आज फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी बचाव का काम प्रारंभ किया है। आर्मी और बीएसएफ की टीम भी लगी हुई है, एनडीआरएफ की तीन टीमें पहले से थी, 2 टीमें और अभी आ रही हैं। आर्मी के 4 कॉलम और हमारे एसडीआर की 70 से ज़्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। अब तक 5 हमारे हेलीकॉप्टर्स, 4 ग्वालियर में और 1 शिवपुरी में। खराब मौसम के कारण मैंने बताया कि कल केवल कुछ काम हो पाया था, आज फिर काम प्रारंभ किया है। अभी जो हमारी दिक्कत है, क्योंकि राहत मिली है हमको शिवपुरी में, क्योंकि पार्वती नदी का जो जल स्तर है वो अब बारिश कम हो गई है। ग्वालियर में पानी अभी रुका हुआ है, वाटर लेवल थोड़ा घटना शुरू हुआ है। बाढ़ से 46 गांव प्रभावित है और 17 रेस्क्यू स्थल है, 15 में काम पूरा हो गया है, 2 पे काम चल रहा था। 3000 लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है, 13 स्थान पर राहत के कैंप लगाए गए हैं। दतिया में आर्मी पहुंच गई है, पाली में रेस्क्यू का काम चल रहा था,
36 ग्राम प्रभावित है। 18 रेस्क्यू स्थल है, 16 में काम पूरा हो गया है। लोग लगभग 1100 को रेस्क्यू किया जा चुका है। वाटर लेवल दतिया में भी अब कम हो रहा है। एक स्थान से एयरलिफ्ट किया गया है, पुजारी जी को मोटर बोट से बढ़ाया गया है, बचाया गया है। सभी मुख्य मार्ग बंद है, NH3 भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। पुल पे एक स्थान पे क्रैक आया है, आप जानते हैं रतनगढ़ का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और एक पुल और वहाँ टूटा है। शिवपुरी में भी मैंने जैसा बताया वाटर लेवल अब घट रहा है। 22 प्रभावित गांव हैं, रेस्क्यू का काम वहाँ लगातार चल रहा है। राहत के कैंपों में भी लोगों को रखा गया है, 801 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भोपाल में एक आपातकालीन बैठक में दिल्ली से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी जुड़े। मुख्यमंत्री ने श्योपुर में टेलीकॉम नेटवर्क जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। चंबल का जल स्तर बढ़ रहा है, कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसीलिए समय रहते मुख्यमंत्री ने मुरैना के लिए आर्मी कॉलिंग के निर्देश भी अधिकारी को दिए हैं। आज बारिश की उस इलाके में भी काफी संभावना है। इनका बारिश का वेग जरूर कम हो गया है, लेकिन इसके बाद वेदर थोड़ा सा उत्तर की दिशा में शिफ्ट हो रहा है, तो ये विश्वास है कि अब उतनी भयानक बारिश नहीं होगी। और इसलिए सावधानी के तौर पे हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अब उतनी बारिश ना हो और जल स्तर जो धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है वो और नीचे जाए। उसके बाद मुझे लगता है और राहत मिलेगी और जनता की सेवा के काम जो आवश्यक है वो हम और बेहतर कर सकें, स्वयं देख सकूँ। अभी मैं एक बैठक कर रहा हूँ सभी अधिकारियों के साथ, मैं दिल्ली से भी लोगों को जोड़ रहा हूँ ताकि टेलीफोन व्यवस्था वगैरह कैसे ठीक की जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लोगों को भी जोड़ रहा हूँ व्यवस्था बनाने के लिए। तो अभी ये बैठक करने के बाद जैसी परिस्थिति होगी मैं प्रयास करूँगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।